गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। पिछले वीडियो में हमने कुछ बेसिक थ्योरम्स की बात की थी, द्विघाती का चिन्ह हम देखा था। आज कुछ महत्वपूर्ण विधियों की बात करते हैं। मेथड्स फॉर फाइंडिंग इनिशियल एप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ रूट्स किसी दी गए समीकरण के प्रारंभिक मूल की सन्निकटन मान की बात करते हैं। इसकी कुछ विधियां हैं। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड या लेखाचित्र विधि। इसी प्रकार दूसरा मेथड है बाईसेक्शन मेथड या विभाजन विधि। तीसरा मेथड है रेगुला फॉल्सी मेथड मिथ्या स्थिति विधि। और जो चौथा मेथड है वो है न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन विधि। तो ये चार हमारे मुख्य विधियां हैं, कुछ मेथड हैं, मुख्य मेथड हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है बाइसेक्शन मेथड, थर्ड है रेगुला फॉल्सी मेथड और फोर्थ है हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड। हम एक एक करके इन चारों मेथड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड और इसकी कुछ कमियां जो हैं ग्राफिकल मेथड की, उसकी बात करते हैं। सभी जो विधियां हैं वो अपने आप में कुछ इसके डिमेरिट्स हैं और कुछ इसके मेरिट्स हैं। तो ग्राफिकल मेथड सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, इसकी बात करते हैं। लेखाचित्र विधि, समीकरण एफ एक्स बराबर जीरो को हल करने के लिए वाई बराबर एफ एक्स का लेखाचित्र बनाते हैं। और x के वे मान जिसके लिए y बराबर जीरो अर्थात शून्य प्राप्त होते हैं, वही
समीकरण एफ एक्स बराबर जीरो के अभिष्ट मूल होते हैं, अर्थात जो हमें दिया गया वक्र है वाई बराबर एफ एक्स, जो हमें दिया गया समीकरण है उस समीकरण को हम पहले सबसे पहले वाई बराबर एफ एक्स मानकर उसका एक लेखाचित्र खींचते हैं और लेखाचित्र बनाने के बाद हम एक्स के वे मान ज्ञात करते हैं, देखते हैं लेखाचित्र में, जिसके लिए वाई का मान शून्य प्राप्त होता है। वह वाई के जो मान शून्य प्राप्त हो रहा है जिस पर, वही एक्स के मान हमारे दिए गए समीकरण वाई बराबर एफ एक्स के या एफ एक्स बराबर जीरो के अभिष्ट मूल होते हैं। यदि समीकरण एफ एक्स बराबर जीरो को दो फलनों के अंतर के रूप में लिखा जा सकता हो या व्यक्त किया जा सकता हो, अगर किसी भी इक्वेशन y बराबर एफ एक्स या एफ एक्स बराबर जीरो को दो फलनों के अंतर के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, तब एफ एक्स बराबर एफ वन एक्स माइनस एफ टू एक्स मान लेते हैं। हमने मान लिया कि एफ एक्स कैन बी रिटन एज एफ एक्स वन एफ वन एक्स माइनस एफ टू एक्स, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फंक्शन। तो दोनों फलनों y बराबर एफ वन एक्स तथा y बराबर एफ टू एक्स का लेखाचित्र खींचते हैं तथा इन वक्रों का प्रतिच्छेद जो बिंदु होता है वह प्रतिच्छेद बिंदु ही समीकरण एफ एक्स बराबर जीरो का अभीष्ट मूल होता है, अर्थात यदि हमें कोई समीकरण दे रखी है एफ एक्स बराबर जीरो और उस एफ एक्स बराबर जीरो को हम दो फलनों के अंतर के रूप में अर्थात एफ वन एक्स माइनस एफ टू एक्स इस रूप से व्यक्त कर सकते हो, तो दोनों फलनों को भिन्न भिन्न रूप से हम मान लेते हैं y बराबर एफ वन एक्स और y बराबर एफ टू एक्स और दोनों वक्रों का हम लेखाचित्र खींचते हैं। लेखाचित्र खींचने के बाद जो हमारा लेखाचित्र है उसमें दोनों वक्रों का जो के जो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी प्रतिच्छेद बिंदु हो सकते हैं, वह प्रतिच्छेद बिंदु ही हमारा जो दी गई समीकरण है एफ एक्स बराबर जीरो उसका अभिष्ट मूल होगा। अब इसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन x माइनस साइन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। हमें एक समीकरण दी गई है x माइनस साइन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो,
और हमें इस समीकरण का एप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए दी गई समीकरण एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन माइनस साइन एक्स बराबर जीरो के रूप में लिखी जा सकती है। सर्वप्रथम हमने जो दी गई समीकरण थी उसमें एल्जेब्रिक फंक्शन को अलग कर दिया और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अलग लिख दिया। अब यह समीकरण एफ एक्स बराबर एफ वन एक्स माइनस एफ टू एक्स रूप में है, अतः y बराबर हम पहला फलन ले लेते हैं x माइनस वन तथा y बराबर साइन x ये दूसरा फलन है, को रेखा चित्र के रेखा चित्र खींचते हैं। रेखा चित्र बनाने के लिए वन टू थ्री माइनस वन और लगभग इतना ही वन, वाई बराबर एक्स माइनस वन। जब हम वाई बराबर एक्स माइनस वन लेते हैं तो एक्स बराबर जीरो पर वाई का मान माइनस वन है, मतलब ये पॉइंट, और एक्स बराबर वन लेने पर y बराबर जीरो है तो ये पॉइंट। x बराबर वन पर y बराबर जीरो, ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है। तो ये दो बिंदु जो है हमारे, ये हमें दी गई रेखा है। अब हम y बराबर साइन x का ग्राफ बनाते हैं। y बराबर साइन x के लिए हम जानते हैं कि x बराबर पाई बाई टू पर, x बराबर पाई बाई टू पर y बराबर जीरो होता है। पाई बाई टू मतलब 3.14 अपॉन टू अप्रोक्स, सो 3.14 अपॉन टू मतलब 1.57। 1.57 मीन्स, अब चूंकि ये लेखाचित्र विधि है और लेखाचित्र विधि में हम जो दशमलव है उसके एक स्थान तक ही वैल्यू ले सकते हैं, तो 1.57 को हम 1.6 ले लेते हैं। ये 1.5 और उसके थोड़ा सा आगे ये 1.6, इस पर हमें x का मान शून्य पाई बाई टू पर x का मान रखने पर y का मान 1 प्राप्त होता है, मतलब यहां पर हमें ये 1 प्राप्त। और पाई बराबर एक्स बराबर पाई रखने पर वाई बराबर जीरो आएगा, तो पाई का मान 3.14 मतलब लगभग यहां। तो अब हम इससे ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा वाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ है और ये हमारा वाई बराबर एक्स माइनस वन का ग्राफ है। हमने दोनों जो वक्र हैं उन दोनों वक्र को यहां पर ट्रेस कर दिया है। दोनों ट्रेस होने के बाद इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है, ये इस प्रतिच्छेद बिंदु से हम यहां पर लंब डाल देते हैं और ये जो वैल्यू आई है लगभग 1.9 के आसपास, तो h बराबर 1.9 दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु है है। समीकरण y बराबर या x माइनस साइन x माइनस वन बराबर जीरो का अभिष्ट मूल
1.9 लगभग होगा। इस प्रकार से हम किसी भी दिए गए वक्र के लिए मूलों का सन्निकटन मान ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि रेखाचित्र विधि में हम दशमलव के एक स्थान तक ही काम ले सकते हैं, अगर दशमलव के दो स्थान हमें लेने हैं तो ग्राफ बहुत बड़ा हो जाता है। ये इस ग्राफिकल मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो अभी मैंने कहा भी था कि किसी भी समीकरण को हल करने के लिए ग्राफिकल मेथड जो है वो तभी काम में लेना चाहिए जबकि उसका जो मूल है वो लगभग दशमलव के एक स्थान तक हो। दशमलव के दो स्थान, तीन स्थान, चार स्थान तक हमें जो मूल है वह ज्ञात करने के लिए रेखाचित्र विधि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। कल हम अगले वीडियो में नई विधि जो हमारी द्विभाजन विधि है, द्वितीय विधि, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।